नमस्कार दोस्तों, मैं भरत अंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में हम जो पढ़ रहे हैं वो चंद्रवंश यानी कि चंद्रवंश के शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, और चंद्रवंश में जो 97 शासक है वंशावली के अनुसार वो आपके दीपचंद है। हम इन दीपचंद के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और हम जो कल की वीडियो में हमने कुछ दीपचंद के बारे में बताया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज यहाँ पर सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, हम दीपचंद के बारे में पढ़ रहे हैं जो आपके 1748 से लेकर आपके 1777 तक क्या करते हैं, यहाँ पर शासन करते हैं। अब अल्पवयस्क होने के कारण शासन की पूरी बागडोर जो थी वो शिवदेव जोशी के हाथों में थी, और वही यहाँ पर शासन कर रहे थे, यानी कि वो इनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आपके शासन कर रहे हैं। अब कल जो हमने यहाँ पर बात की थी उससे आगे जब हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर अब क्या था, विद्रोह होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो फर्तियाल लोग थे, फर्तियालों ने सबसे पहले विद्रोह करना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फर्तियाल हैं उन फर्तियालों ने जो विद्रोह किया उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर था क्या कि जो फर्तियाल थे, फर्तियालों के समय पे, यानी कि फर्तियाल जब आपके चंद्रवंश में थे, दीपचंद के समय पर थे, तो यहाँ पर कुछ समय तक जो आपके मेहरा लोग थे, इन मेहरा लोगों के हाथ में शासन की बागडोर थी। यानी कि कुछ समय, यानी कि जब आपके दीपचंद शासन कर रहा था, तो मेहरा लोगों के हाथों में भी कुछ यहाँ पर आपके यहाँ के प्रशासन की बागडोर थी। अब यही था, यहाँ पर इनके हाथों में बागडोर है, तो इस वजह से फर्तियाल लोग इनसे चिढ़ने लग गए। यानी कि जो असंतोष पैदा होता है आपके फर्तियालों के मन में, वो किससे होता है, मेहरा लोग यहाँ पर शासन में भागीदार है। इसी वजह से कहा जाता है कि इस समय पर, दीपचंद के समय पर, अगर कोई भी बंदा पीएम पद पर पहुंच गया, यानी कि कोई प्रधानमंत्री बन गया आपके, तो पूरी सत्ता उसके हाथों में थी। और यहाँ पर जो फर्तियाल लोग थे वो भी ये चाहते थे कि मेहराओं के हाथ में जैसी सत्ता है वो भी उनके हाथों में सत्ता हो, तो ये आपके फर्तियाल लोग चाह रहे थे। इसी वजह से क्या था, फर्तियालों ने यहाँ पर क्या किया, अपना विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अब इसी में इन्होंने देखिए दो विद्रोह करेंगे, एक बाद में भी ये रायमल को लेकर विद्रोह करते हैं, और अभी जो ये यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं, तो इसमें आपके कौन आ जाते हैं, अमर सिंह रौतेला। ये क्या करते हैं, अमर सिंह रौतेला को यहाँ पर शासक बनाना चाह रहे हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्तियालों ने जब विद्रोह किया तो फर्तियाल क्या चाह रहे हैं कि दीपचंद को यहाँ से भगा दिया जाए, दीपचंद को हटा दिया जाए, और शासक यानी कि राजा किसको बना दिया जाए, यहाँ पर अमर सिंह रौतेला को यहाँ पर क्या बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो गया, क्या यहाँ पर ये बात शिवदेव को पता लग गई, जो शिवदेव जोशी थे उनको ये बात पता लग गई, और उन्होंने इस फर्तियालों के विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा दिया, और जो ये अमर सिंह थे ये यहाँ से क्या हुआ, भागना शुरू कर दिया, यानी कि ये यहाँ से भाग गए। जैसे शिवदेव जोशी ने फर्तियालों के इस विद्रोह को समाप्त किया, अब क्या था, जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो अब शिवदेव जोशी को और भी अच्छा मानने लगी, यानी कि उनकी जो इमेज थी वो उनकी प्रजा के सामने और भी ज्यादा बढ़ गई, जब उन्होंने फर्तियालों को यहाँ से, फर्तियालों के नेता जिसे वो राजा बनाना चाहते थे उसको यहाँ से, उन्होंने यहाँ से भगा दिया। तो याद रखना, इसके शासनकाल में, दीपचंद के शासनकाल में, आपके अमर सिंह रौतेला के नेतृत्व में फर्तियालों ने अपना पहला विद्रोह किया था। लेकिन अब ये विद्रोह यहाँ पर तो हुआ है, लेकिन इसके बाद क्या था, इसके बाद अब जो पिता पुत्र हैं उनमें किसी बात को लेकर यहाँ पर मतभेद हो जाते हैं, जिस कारण से उनके पुत्र भी इनसे रुष्ट होने लगते हैं, यानी कि नाराज होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके जयकृष्ण है, याद रखना, जो जयकृष्ण है वो जयकृष्ण और जो आपके शिवदेव जोशी है इनके बीच में जो संबंध थे इस समय पर खराब चल रहे थे। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो आपके कौन है, जो जयकृष्ण जोशी हैं वो अपने पिता से नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर जो आपके फर्तियाल लोग हैं इन फर्तियालों से मिल गए, यानी कि वो जयकृष्ण भले ही आपके किसके दल से हो, मेहरा दल से हो, लेकिन किसको, लेकिन अपने जो सहायता है, अपना सहयोग किसको दे रहे हैं, वो फर्तियालों को दे रहे हैं। अब यहाँ पर इसी समय में, यानी कि जयकृष्ण ने जैसी फर्तियालों का साथ दिया और मेहरा दल को, यानी कि वो धोखा दे रहे हैं यहाँ पर, तो
इसी बीच आपके जय कृष्ण ने यानी कि गढ़वाल को पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और गढ़वाल के जो राजा आपके उस समय पर कौन थे, प्रदीप शाह थे। इन प्रदीप शाह को यहाँ पर एक पत्र लिख दिया, यहाँ पर निमंत्रण दे दिया कि आप यहाँ पर आक्रमण कीजिए और दीप चंद की पूरी स्थिति के बारे में उन्होंने बता दिया। यानी कि जब आपके प्रदीप शाह आक्रमण करेंगे दीप चंद के समय पर, यानी कि शिवदेव के समय पर जो आक्रमण कर रहे हैं, वो आक्रमण करने का जो कारण है वो कारण अभी आगे दीपचंद उनसे पूछेंगे, लेकिन यहां पर जो उनको बुला रहा है वो कौन बुला रहे हैं, जय कृष्ण बुला रहे हैं जो शिवदेव के आपके पुत्र हैं। अब इसी बीच में जैसे ही प्रदीप साहब को इस बारे में पता लगा, यहाँ पर आपके दीपचंद की स्थिति के बारे में पता लगा और उसको पता था कि जय कृष्ण उनका साथ देने वाला है, तो उसने सबसे पहले जो जूनागढ़ का किला था, यानी कि जो आपके गढ़वाल में जो जूनागढ़ का किला है उस पर कब्जा कर लिया। कब्जे का मतलब यहाँ पर है कि वो उन्हीं के अंडर में था, वो अपने यहाँ पर श्रीनगर में शासन कर रहे हैं, वे वहां से कहाँ आ गए, जूनागढ़ में आ गए। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब उनको मौका मिलता है और कब वो कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं, यानी कि उन्होंने अपना डेरा डाल दिया कहां पर, इस जूनागढ़ के किले में अपना डेरा डाल दिया। अब इसके बाद क्या था, ये तो यहां पहुंच गए, लेकिन कहा जाता है जो आपका अल्मोड़ा में जो आपका नेथरान का किला पड़ता है और यहां हो गया और आपके जो तराई वाले क्षेत्र में हो गया, यानी कि जो जसपुर वाला क्षेत्र हो गया, वहां पर आपके दीपचंद हो गए सॉरी, और उसके बाद जो शिवदेव जोशी हैं, इन दोनों ने अपनी सेना यहाँ पर इकट्ठी कर दी, यानी कि इनको अंदर घुसने नहीं दिया, यानी कि जो प्रदीप शाह हैं वो जूनागढ़ से इंतजारी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सेना पहले से लगा दी, यानी कि वो यहाँ पर आपके गढ़वाल जो शासक है उसको अंदर घुसने का मौका नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, जो आपके दीपचंद है, दीपचंद ने प्रदीप को पत्र लिखा, यानी कि जो प्रदीप शाह है उन प्रदीप शाह को दीपचंद ने पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से प्रदीप ने यहां पर आक्रमण किया है, यानी कि चंदुवंश यानी कि कुमाऊं पर आक्रमण कर रखा है। अब यहां पर कहा जाता है कि जो उत्तर भेजा गया प्रदीप शाह द्वारा, गढ़वाल के राजा द्वारा जो उत्तर भेजा गया, उत्तर के साथ साथ यहाँ पर अपना वकील धरणीधर यानी कि अपना जो राजदूत है वो धरणीधर ओझा नामक एक व्यक्ति को भेजा, यानी कि पत्र के साथ धरणीधर ओझा को भेज दिया। अब यहाँ पर जो पत्र में लिखा था, सबसे पहले पत्र में तो शुरुआत में उन्होंने ये लिख रखा था कि आपके जो पिता है यानी कि कल्याण चंद पंचम थे वो उनको भाई मानते थे, किसको, वो प्रदीप शाह को यहाँ पर अपना धर्म भाई मानते थे, ये कह रहा था प्रदीप शाह का। अब क्योंकि रोहिल्लों का जब आक्रमण होता है 1743 में, तो प्रदीप शाह ही आपके कल्याणचंद की मदद करते हैं, तो इस हिसाब से वो बोलते हैं कि मेरे को कल्याणचंद पहले से ही अपना भाई मानते हैं, तो अब वो अगर वो उनको भाई मानता है तो ये दीपचंद उनका क्या हो गया, भतीजा हो गया। तो उनकी ये शर्त थी, वो ये कहना चाह रहे थे कि जो सबसे पहले आज से हमारे बीच में जो पत्रा व्यवहार होगा, उस पत्रा व्यवहार में जो आपका दीपचंद होगा वो प्रदीप शाह को अपना चाचा मानेगा और चाचा के साथ साथ वो क्या करेगा, पत्रा व्यवहार में वो जयदेव शब्द अंकित करेगा, यानी कि जो भी पत्र लिखेगा उसमें क्या लिखेगा, जयदेव लिखेगा। अब यहाँ पर हो सकता है जयदेव शब्द कुछ वहां पर सम्मान का प्रतीक होता हो, इसी वजह से यहाँ पर जो शर्त रखी है पहले प्रदीप शाह ने कि यहाँ पर आप मेरे को चाचा मानिए, किसकी वजह से, कल्याण चंद उनको क्योंकि भाई मानते थे, और दूसरा कोई भी पत्र व्यवहार करेंगे तो उसमें आप क्या लिखोगे, जयदेव लिखोगे, ये पहली बात उन्होंने इस पे रखी। दूसरी बात याद रखना, दूसरी बात ये रखी कि गढ़वाल का क्षेत्र जो भी दीप शाह ने अपने उस पर कब्जा रखा है वो गढ़वाल को लौटा दिया जाए। दूसरी शर्त आपकी ये थी, मतलब कारण प्रदीप शाह ने पत्र भेज रखा था, कारण पूछा था कि क्यों आक्रमण कर रखा है और पत्र का उत्तर रहेगा धरणीधर ओझा आरके, और उस पत्र में तीन बातें लिखी हुई हैं कि वो उनको जयदेव शब्द का इस्तेमाल करेंगे उनके पत्र व्यवहार में, और दूसरा गढ़वाल का अगर कोई भी क्षेत्र कुमाऊं में है तो वो गढ़वाल को वापस कर दिया जाए। अब इसके बाद क्या था, तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा जो रामगंगा आपके नदी है उस नदी से
गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजन किया जाए, यानी कि ये आपकी रामगंगा नदी होगी, इसके पार आपका गढ़वाल हो जाएगा और इसके पास कुमाऊं हो जाएगा, यानी कि सरहद जो बनाई गई वो आपके रामगंगा नदी को बनाएगी। लेकिन यहाँ पर दीपचंद ने इन दोनों बातों को स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है हम पत्र व्यवहार जो भी करेंगे उसमें जयदेव शब्द अंकित करेंगे, और वो हमको चाचा मानने के लिए भी तैयार था, और दूसरी बात गढ़वाल का जो भी क्षेत्र कुमाऊं पे है वो सब देने की उन्होंने बात कर दी। लेकिन वो इस बात को मना कर दिया, उन्होंने कहा जो सरहद है वो हम रामगंगा क्षेत्र से नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुमाऊं का बहुत सारा क्षेत्र कहाँ चले जाएगा, गढ़वाल में चले जाएगा। इस वजह से क्या था, इस वजह से उन्होंने ये बातें मना कर दी, यानी कि तीसरी बात उन्होंने मना कर दी। अब यहाँ पर जो धरणीधर ओझा थे उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, उन्होंने बोला कि आप जो दीपचंद कह रहे हैं दो बात उन्होंने मान ली, तीसरी बात मानने के लिए मना कर रहे हैं, ये बात सही है। तो वो क्या करते हैं, वो इससे सहमत हो जाते हैं दीपचंद से। अब यहाँ पर दीपचंद उनका सम्मान करना चाहता था और यहाँ पर दीपचंद ने उनको कई उपहार देने की सोची, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया। और इसके बाद वो क्या करते हैं, वो ये जो बात हुई है दीपचंद और आपके धरणीधर ओझा के बीच में, अब वो अपने गढ़वाल चले गए और प्रदीप साहब के समक्ष बात रखी कि उन्होंने ये बातें बोल रखी है और मेरे हिसाब से ये बातें सही है और आपको भी ये बातें मान लेनी चाहिए, ये उन्होंने प्रदीप साहब को बताया। लेकिन क्या था, प्रदीप साहब फिर भी यहाँ पर शक करते रहे, और शक किस पे करते रहे, धरणीधर ओझा पर, यानी कि शक किया और किस पे किया, धरणीधर पर शक किया। और कारण क्या था, वो ये बोलते थे कि यार दीपचंद ने उनका बड़ा आदर सम्मान वहां पर कर रखा है और उपहार भी देना चाह रहे थे, हो सकता है क्या पता धरणीधर उनसे मिल चुका हो, तो इसीलिए यहाँ पर वो बार बार धरणीधर में शक करते रहे। और जो रही कसर थी वो उसके सैनिकों ने, यानी कि उसके जो राज कर्मचारी हैं उस राज कर्मचारियों ने पूरी कर दी, उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया धरणीधर के खिलाफ कि ये उनसे मिला हुआ है और उसकी मदद से, यानी कि किसकी मदद से, उनके सैनिक अपने सैनिकों की मदद से उसने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण कर दिया बिना सोचे हुए, यानी कि कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। पहले तो संधि के लिए बात की थी और पूछा था कि कौन कौन सा क्षेत्र चाहिए, लेकिन बाद में माने नहीं और धरणीधर पर जैसे शक हुआ उन्होंने कहाँ पर आक्रमण कर दिया, आपके कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि तामाडवन के आसपास में ये युद्ध हुआ, और जिस युद्ध में आपके सबसे पहले जो आपके जयकृष्ण है, ये जयकृष्ण जोशी जो है इसी युद्ध में घायल हो जाते हैं, और जो प्रदीप शाह है वो यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर वो श्रीनगर चले गए। और दूसरी बात जरूर याद रखना, जो इनके सेनापति आपके नरपति सिंह है, वो नरपत सॉरी जो नरपत सिंह है, ये जो नरपत सिंह है ये इस युद्ध में मारे जाते हैं, यानी कि तामाडवन का जो युद्ध होगा कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में हो रहा है, जिसमें जयकृष्ण घायल हो जाता है और प्रदीप शाह का जो सेनापति नरपत सिंह है वो इसी युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। यानी कि इस तरीके से क्या हुआ, इस युद्ध का आपका समापन हो जाता है। अब लेकिन यहाँ पर अब दीपचंद यहाँ पर नहीं रुके, क्योंकि दीपचंद ने जैसे प्रदीप शाह ने उनको धोखा देकर यहाँ पर आक्रमण किया था, उन्होंने यहाँ पर आदेश निकाल दिया कि जो भी बंदा प्रदीप शाह के सैनिकों का सर काट के लाएगा वो उनको असरपियां देना शुरू कर देगा। और अब यहाँ पर क्या था, सब यहाँ पर लालची बन गए, वो क्या करने लग गए, वो यहाँ पर गढ़वाल के सैनिक जो थे प्रदीप शाह के सैनिक उनका सर काटना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें कई लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया, जो बड़े अधिकारी होते थे सेना में वो किसी भी कूली का सर लेकर वो दीपचंद के पास जाते और उसको बोलते कि ये गढ़वाल का ही है। तो इस तरीके से कई लोग असरपियां बटोर रहे थे। जैसे ये बात आपके दीपचंद को पता लगती है वो इस हुक्म को मानने से मना कर देता है, यानी कि हुक्म को अब रद्द कर देता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, यानी कि किसी को भी वो असरपी नहीं देगा अगर कोई भी सर काट के यहाँ पे लाएगा तो। अब यहाँ पर क्या था, प्रदीप शाह इस युद्ध के बाद अब वो बिल्कुल ऐसे बदले की भावना में थे, उन्होंने यहाँ पर अपने सभी आभूषण त्याग दिए और उन्होंने बोला अब मैं ये आभूषण तभी पहनूंगा जब मैं दीपचंद को परास्त करूंगा, जब मैं कुमाऊं को हराऊंगा उसके बाद ही मैं यहाँ पर आभूषण पहनूंगा। कहते हैं कि उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं अब ऐसा करूंगा। अब ये जो बातें हैं, ये प्रण वाली जो बात है, ये दीपचंद और शिवदेव जोशी के कानों में भी पड़ी, यानी कि कुमाऊं में जो राज कर रहे थे उन लोगों को इस प्रण के बारे में पता चला। अब यहाँ पर क्या था, वो बड़े अच्छी राजनीति जो राजनेता थे आपके कौन, शिवदेव जोशी, उन्होंने यहाँ पर
अब जो उनके पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम एक तो यहाँ पर आपके जय कृष्ण है और दूसरे पुत्र का नाम यहाँ पर क्या है आपके हरिराम है। याद रखिएगा, हरिराम हो गया और जय कृष्ण हो गया, इन दोनों को आपके कहाँ भेजा, प्रदीप शाह के दरबार में भेजा। यानी कि प्रदीप शाह ने जो प्राण ले रखा था, अब वो सोचते थे कि यार अगर ऐसी हुआ तो युद्ध तो कभी समाप्त तो होगा नहीं, प्रदीप शाह आज आक्रमण करेंगे, कल के दिन में दीपचंद आक्रमण, यानी कि ये तो ऐसे चलता रहेगा। इसीलिए शिवदेव ने अपने दोनों पुत्रों को राजदूत के रूप में यहाँ पर भेजा और जैसे वो आभूषण जो उसने त्याग रखे थे वही आभूषण लेकर भेजा गया। और यहाँ पर कहते हैं जय कृष्ण और हरिराम ने वही आभूषण प्रदीप शाह को पहनाए और वहां पर उसका बड़ा आदर सत्कार किया, यानी कि उनको बोला, उनको यहाँ पर सम्मान दिया, जिससे प्रदीप शाह का भी मन पलट गया और उन्होंने भी अब यहाँ पर जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो यहाँ पर आपके स्थापित हो गए। किसके साथ? दीपचंद के साथ। इस तरीके से क्या होता है, जो आपका गढ़वाल पे जो आक्रमण हुआ था या गढ़वाल ने जो आक्रमण किया था, उस आक्रमण का जो समापन होता है वो इसी संधि के साथ होता है। और अब ये क्या करेंगे, जो प्रदीप शाह और जो दीपचंद है वो आपस में मिलकर रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका जो विद्रोह आपके गढ़वाल प्रदीप शाह ने किया, यहां पर ये आपके पूरी तरीके से विफल हो जाता है। और जिसे विफल करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, आपके शिवदेव जोशी को जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले दीपचंद के उसमें जो मेहरा लोग सॉरी फरत्याल लोग थे, फरत्यालों ने विद्रोह किया और उसके बाद पिता और पुत्र यानी कि शिवदेव और दूसरा शिवदेव उनके पुत्र जयकृष्ण, उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, तो उन्होंने गढ़वाल को आमंत्रित किया लड़ने के लिए और प्रदीप शाह ने आक्रमण भी किया और श्री जो धरणीधर थे उनको राजदूत बनाकर भी भेजा। उसके बाद भी यहाँ पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में उनकी हार हो जाती है और उसके बाद शिवदेव अपने दोनों पुत्रों को वहां भेजेंगे संधि करने के लिए और दोनों के बीच में संधि हो जाती है। तो इस तरीके से आपका गढ़वाल के साथ जो युद्ध हुआ था ये भी संपन्न हो गया। अब इसके बाद क्या था, दीप के समय पर ही, क्योंकि अब यहाँ पर इनके भले ही इनके झगड़े गढ़वाल के साथ समाप्त तो हो गए, लेकिन जो घरेलू झगड़े थे ना अब वो प्रारंभ होना शुरू हो गया था। और यही वो कारण था कि जो गोरखा 1790 में आ रखे हैं वो इसी घरेलू झगड़े के कारण ही आ रखे हैं। अभी हम आगे इसमें शुरू करेंगे। अभी आप ये समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको 1790 इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहां पर एक और बंदा आने के लिए तैयार है, उसका नाम है जयानंद जोशी। याद रखना, अभी जो भी ललित शाह भले भगवाली पोखर का युद्ध जो होगा वहां पर जब आएंगे वो जयानंद जोशी उनकी सहायता से भी आते हैं। अब पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है। अब यहाँ पर क्या था, जो कल्याण चंद थे, जो दीपचंद के पिता थे कल्याण चंद पंचम थे, उन्होंने क्या किया, सभी आपके जो भी चंद उनसे संबंधित था सबके आंखें निकलवाना शुरू कर दिया था और जो भी विद्रोह कर रहे थे उनके आंखें भी उन्होंने यहाँ पर निकलवा दी थी। तो यहाँ पर आपका रहेगा कांतु जोशी। ये जो पंडित थे ये कहाँ के थे, ये आपके झिझाड़ के थे, झिझाड़ के कांतु जोशी। अब क्या हुआ, जब कल्याण चंद ने इनकी भी आंखें निकलवा दी और जो झिझाड़ के थे, तो इस भय से, इस डर से उनका जो पुत्र था जिसका नाम जयनंद जोशी था, ये भागकर गढ़वाल चले गया और अब ये गढ़वाल में रणनीति बना रहा है कि वह कैसे कुमाऊं पर आक्रमण करेगा और वह गढ़वाल वालों का साथ देता है और बाद में वो भी आक्रमण करने के लिए यहाँ पर उनके साथ आएगा। और भगवाली पोखर में हम इसके बारे में विस्तार से फिर से पढ़ेंगे। तो अभी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो जयनंद जोशी है वे आपके झिझाड़ के कांतु जोशी के पुत्र हैं। कांतु जोशी वो थे जिनकी आंखें कल्याण चंद ने निकलवाई थी, उसी डर से जयनंद भागकर कहाँ चले गए थे, आपके गढ़वाल चले गए थे और आज वो कहाँ पर रह रहे, गढ़वाल पर ही रह रहे। और अब इससे आगे जब हम अगर बात करें, यहाँ पर कल की जो वीडियो थी हमने आपको उसमें बताया था कि जो काशीपुर का जो लार्ड बनाया था, सबसे पहले यहाँ पर हरिराम को बनाया था। हरिराम अच्छा काम नहीं कर रहे थे, जिस कारण से किसको बना दिया गया, शिरोमणि दास को बना दिया गया। अब यहाँ पर इसी वजह से क्या था, हरिराम हो गया और दूसरा जो शिवदेव हो गए, इन दोनों के बीच में अब इनके संबंध भी खराब होने लगे थे। एक तो जयकृष्ण थे जिनके बीच में संबंध खराब हुए थे और दूसरा उन्हीं के पुत्र, दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम हरिराम है, इनके साथ इनके संबंध खराब हो रहे थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब जयकृष्ण तो अपने पिता का साथ फिर से दे दिया, क्योंकि गढ़वाल जैसे हारी वो अपने पिता के
किसान मिल गया। तो यहाँ पर अब उनका जो पुत्र है उस पुत्र का नाम क्या है, यहाँ पर आपका जय कृष्ण है। जो जब हरिराम और शिवदेव में जब भी आपके मतभेद होगा इसमें, वो अपने जो अपने पिता है यानी कि यहाँ पर आएगा जो आपके जय कृष्ण है वो अपने पिता का साथ देंगे, किसका, शिवदेव जोशी का। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना, जो हरिराम है हरिराम के पुत्र का नाम यहाँ पर जयराम है और वो अपने पिता का साथ देते हैं, याद रखना, क्योंकि इनके बीच में भी लड़ाई हो रखी है। अब यहाँ पर क्या था कि जैसी लड़ाई इन पिता पुत्र में हो रही थी ये आपके आपस में अब जयराम और जय कृष्ण भी लड़ने लग गए। अब इसी में कहा जाता है इन सबके बीच में आपके सात युद्ध होते। अब युद्ध क्यों हो रहा है, यहाँ पर शिव हरिराम हो गया और शिवदेव हो गया, दोनों के दोनों बक्सी पद के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि बक्सी पद के लिए जो लड़ाइयां होती है वो इन दोनों में सात लड़ाइयां होती हैं, और इसमें से हरिराम का साथ उसका पुत्र जयराम देगा और शिवदेव का पुत्र उसमें आपका जय कृष्ण देगा। आपका हरिराम भी शिवदेव का ही पुत्र है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या था, बक्सी के लिए कितनी लड़ाई होती है, सात लड़ाइयां, जिसमें से तीन लड़ाइयों में, दो लड़ाइयों में आपका कौन जीतेगा, आपका हरिराम जीत जाता है, और जो पांच लड़ाइयां होती है उसमें कौन जीतेगा, आपका शिवदेव जीतेगा, और ये सभी युद्ध आपके तराई वाले क्षेत्र में हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या था, जो सातवां युद्ध था वो आपके कहां पर हुआ था, वो बासुली सेना में हो रखा था, और यहाँ पर जो बासुली सेना में जो सातवां युद्ध होता है, इस युद्ध में क्या होता है, जो आपके हरिराम है उनका पुत्र जो जयराम है वो यहाँ पर मारा जाता है, यानी कि जयराम की मृत्यु आपके इस युद्ध में आपके कहां पर होगी, इस सातवें युद्ध में हो जाती है और बासुली सेना में। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, जैसे उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो यहाँ पर हरिराम क्या थे, अब वो माफी मांगने लग गए शिवदेव से, और अब वो यहाँ पर माफी चाह रहे कि वो आज से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शिवदेव जोशी है, शिवदेव जोशी ने अब साफ साफ मना कर दिया कि अब जो बात का जो भी निपटारा होगा वो पंचायत बैठाएंगे, और पंचायत के बाद ही हम इस बात का निपटारा करेंगे कि हरि सिंह के साथ अब क्या होने वाला है, यानी वो अगर उसे माफी दी जाएगी तो किसके द्वारा दी जाएगी, पंचायत के द्वारा दी जाएगी। अब दोनों ने निर्णय लिया, यहाँ पर जो शिवदेव था, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि इनके जो आंवला का जो राजा नवाब था रहमत खां था उस समय पर, और रहमत खां भी क्या करता था, यहाँ की जो राजनीति में हस्तक्षेप करता था, तो इसीलिए शिवदेव रहमत के पास चले गया और उसको अपना पंच बना दिया, यानी कि उसको प्रमुख बना दिया, और अब बताया कि शिवदेव जो आपके हरिराम है, हरिराम और उसके बीच में ये संबंध कैसे थे, यानी कि कैसे उनकी लड़ाइयां हो रखी हैं, और अब वो माफी मांग रहा है, उसके साथ क्या करना चाहिए, शिवदेव ने रहमत से पूछा, और रहमत ने फैसला आपके शिवदेव पक्ष में सुनाया, और शिवदेव के पक्ष में जैसी फैसला देते हैं, और यहाँ पर हरिराम से कहते हैं कि आज से आप शिवदेव जोशी के अंदर में ही यहाँ पर क्या करोगे, कार्य करोगे। और यहाँ पर हरिराम भी मान गए, और कहा जाता है कि शिवदेव ने हरिराम को जो रुद्रपुर वाला जो क्षेत्र था, इस रुद्रपुर वाला क्षेत्र दे दिया, यानी कि यहाँ पर शासन करने के लिए दे दिया। और अब यहाँ पर कहा जाता है कि हरिराम ने इसके बाद कभी भी अपने पिता के लिए कोई भी विद्रोह नहीं किया। तो याद रखना, इसके बाद हरिराम कभी भी विद्रोह नहीं करेंगे, यानी कि पहला विद्रोह फरतियारों के साथ, दूसरा गढ़वाल के साथ आक्रमण, और तीसरा आपके हरिराम का विद्रोह, और इसको आप जरूर याद रखना। अब इसके बाद क्या था, यहाँ पर अब कहा जाता है कि जैसे ही यहाँ पर आपके जो फरतियार थे, फरतियारों ने पहला विद्रोह तो किया ही था, लेकिन यहाँ पर क्या था, दिल्ली में जैसे आपके अहमद शाह अब्दाली ने भी कुछ समय पर कब्जा कर लिया था, उस समय पर कुमाऊं की रक्षा शिवदेव ने बड़े अच्छे ढंग से की थी, जिससे अब लोग उनसे और भी प्रसन्न होने लग गए, यानी कि जैसे ही हर जगह फेमस होने लग गए, जिस कारण उनके दुश्मन भी बढ़ने शुरू हो गए थे। अब यहाँ पर क्या था, दुश्मनों की संख्या तो बढ़ गई थी, उन्हीं में से एक आपका चौकी गांव का एक आपका कौन होगा, रायमल होगा, रायमल है, और कहाँ का है, ये आपके चौकी गांव का है। इस बंदे ने अब षड्यंत्र रच दिए कि कैसे शिवदेव को मारा जाए, यानी कि उसने सीधे सीधे कहा जाता है, रायमल ने जो फरतियारों द्वारा ही एक नेता बनाया गया है अपना, जो प्रमुख नेता है, जो षड्यंत्र रच रहा है शिवदेव को मारने का, उसने काशीपुर में अपने मित्र को एक पत्र लिखा, और पत्र में उसने लिखा कि हम शिवदेव को मार देते हैं। तो इस तरीके से वो पत्र को बाद में फाड़ दिया गया, उस पत्र का टुकड़ा कहते हैं कि शिवदेव के हाथों में पड़ गया, और उसके बाद उसने उस पत्र को जुड़वा दिया, और बाद में पता लगा कि उसे उसे मारने में जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो फरतियाली नहीं है,
उसमें आपके सॉरी जो दनिया के जो जोशी लोग हैं उनका भी हाथ है, वो भी क्या कर रहे हैं, शिवदेव को मानने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये बात है, अब शिवदेव को यहाँ पर आपका पता लग चुकी थी। अब यहाँ पर क्या था, अब शिवदेव की मृत्यु यहाँ पर होती है। तो शिवदेव की मृत्यु कैसे होती है उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो शिवदेव जोशी है कहा जाता है 1764 में मारे जाते हैं और षड्यंत्र रचा है दनिया के जोशी और आपके प्रत्यालों ने। अब यहाँ पर क्या था, जब वो आपके काशीपुर में रहते थे, काशीपुर में कहा जाता है कि वो पूजा कर रहे थे, तो पूजा करने के दौरान क्या होता है, उनको 500 सैनिकों ने और वहां पर उनको घेर लिया। और उसके बाद क्या होता है, घेरने के बाद अब उनके पास कोई चारा नहीं था उनसे युद्ध करने के सिवा, और वो युद्ध यहाँ पर करते हैं और वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो यहाँ पर घायल हो जाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जब इन सैनिकों ने आक्रमण किया तो इनका एक पुत्र और था जिसका नाम जयदेव था, और दूसरा जो पुत्र था उनका नाम हरिनिधि था, और एक पुत्र और था जिनका नाम आपका हर्षदेव जोशी था। यानी कि ये तीन पुत्र उस समय पर काशीपुर में आपके किसके साथ थे, शिवदेव के साथ थे। शिवदेव ने इनसे लड़ने का प्रयास किया लेकिन वो क्या होता है, वो इसमें मारे जाते हैं, और साथ ही साथ उनका पुत्र जयदेव भी मारा जाता है और आपका कौन मारा जाता है, हरिनिधि भी मारा जाता है। अब यहाँ पर क्या था, हर्षदेव जोशी क्या था, कहते हैं कि हर्षदेव जोशी इन 500 सैनिकों के हाथों में नहीं आए और ये कहीं पर किले में जहां पर शिवदेव रहते होंगे वहीं कहीं पर छिपे हुए थे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इनकी मृत्यु नहीं होती है, यानी कि उनके साथ मृत्यु होती है, उनके दो पुत्रों की होती है, लेकिन वहां कितने पुत्र थे उनके, यहाँ पर तीन पुत्र थे। और ये जो पूरी घटना है ये घटना आपके 1764 की है जब आपके शिवदेव जोशी मारे जाते। याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शिवदेव जोशी की मृत्यु कहां हुई है तो भले ही वो अल्मोड़ा का प्रतिनिधि कर रहे हैं लेकिन वो रहते कहां थे, काशीपुर में, तो काशीपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हरिराम के बारे में बताया था जिनके साथ सात युद्ध होते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, जो उनके जो बेटे थे हरिराम, इनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि 1764 के बाद अब जो सत्ता आएगी हाथों में, जयकृष्ण के हाथों में आएगी और उस दूसरे आपके हर्षदेव जोशी के हाथों में आएंगे। अब ये लोग शासन कैसे करेंगे, अब हम इसमें आगे हम इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कहानियां कई हैं, मैं आपको यहाँ पर वो कहानी नहीं बताना चाह रहा हूँ जैसे शिवदेव के मरने की जो कहानी है, वो कहा जाता है कि एक स्वप्न उनको आया था, एक खजाना जो था खजाना इनको प्राप्त हुआ था। ये चीजें आप उसको याद ना भी रखोगे तो आप इस चीज को जरूर याद रखना कि यहाँ पर किस तरीके से सैनिकों ने काशीपुर में जाकर उनको मार रखा है। तो इस प्रकार से जो शिवदेव जोशी हैं, जो पूरी बागडोर जिनके हाथों में थी, उनको यहाँ पर षड्यंत्र करके मार दिया। अब जो यहाँ पर होगा, अब सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा दीपचंद के लिए है क्योंकि दीपचंद के जो समर्थक थे उनमें से शिवदेव प्रमुख थे। अब यही मारे गए तो अब ये चारों तरफ से घिर जाते हैं, मोहनचंद से घिर जाएंगे और उसके बाद उनकी पत्नी श्रृंगार मंजरी से घिर जाएंगे। और किस तरीके से मोहनचंद अपने हाथों में सत्ता लेंगे ये हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।